राधिका, मंगलसूत्र कहाँ है तुम्हारा? मम्मी जी, शायद मैंने मंगलसूत्र कमरे में ही रख दिया। ये तो सांप की कैचू है, ये राधिका के कमरे में कैसे? इस घर की मुस्कुराहट किसी की नजर नहीं लगेगी। वाओ, मजा आ गया महक, बहुत फन यार। इच्छाधारी नाग नागिन गरुड़ मंदिर, अमेजिंग यार। मतलब पता है, इन सब स्टोरीज को सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरे ही एरा में आ गए। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो हमारा सीतापुर है ना, ये इच्छाधारी नाग और नागिन की कहानियों के लेकर बहुत फेमस है। तुम्हें पता है, यहाँ पे ना एक जंगल है, उसका नाम है नैमिषारण्य। और उसके अंदर ना कोई भी नहीं जा सकता। क्यों? अरे क्यों क्या, वो जगह पूरी इच्छाधारी नाग और नागिन से भरी पड़ी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, ये जो इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं ना, ये किसी का भी रूप ले लेते हैं। वाह, हाँ। अच्छा चल, तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ सुना। बहुत सालों पहले यहाँ पे एक राजा हुआ करता था, और राजा के बेटे को एक इच्छाधारी नागिन से प्यार हो गया। क्या बात कर रही है, रियली इच्छाधारी नागिन से? क्या रियली होगी ना, तो सुन तो ले। तो फिर जो राज परिवार था और जो नागवंशी थे, वो लोग इनके रिश्ते के बहुत खिलाफ थे। क्यों? क्यों मतलब? एक इंसान और एक नागिन में प्यार थोड़ी ना हो सकता है। देखो सुनना या नहीं? अच्छा सॉरी। हाँ तो फिर राजा ने इच्छाधारी नागिन को मरवा दिया। अब नागिन को बचाने के चक्कर में राजकुमार की भी जान चली गई। और कहते हैं कि इस सब के दौरान राज परिवार ने इच्छाधारी नागिन का नागमणि भी चुना, और उस नागमणि को वापस पाने के लिए एक इच्छाधारी नागिन धोखे से उनके परिवार में शामिल हो गई। और पता है, उसने ना सबको मार दिया। अरे यार, तू डरा मत मुझे। अच्छा, तू जैसे बड़ा डरने वाली है। देखिए कहानी है, कहानी की तरह सुन के भूल जा। अच्छा सुना, मुझे कुछ काम है, तू थोड़ी देर रेस्ट कर ले, मैं आती हूँ। वाओ, अवनीन वंडरलैंड। वैसे क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, नाग नागिन गरुड़ मंदिर, क्या बात है। पर वैसे इंडिया में भी ऐसी जगह होती है? फुटेज देखिए तो सही, फुटेज आया कैसा है। पापा, हेलो, मेरी पिछली जिंदगी के बारे में जो कुछ भी बताया, राधिका ने बताया। मुझे ऐसे क्यों लगता है कि ऐसा कुछ तो है जो मैं नहीं जानती। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि राधिका सबसे कुछ छुपा रही है। Oh,
अवनी। डैड, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। जी भाभी, इसे रिवाइंड करना। रिवाइंड? प्लीज कर दो। ओके। महक ने मुझे बताया था कि इस मंदिर में इच्छाधारी नागिन एंटर नहीं कर सकती। राधिका भाभी के कैसे जल गए? राधिका भाभी की नागिन? मुझे भी समझ नहीं आ रहा अवनी, पर हम श्योर कुछ तो है जो राधिका हम सबसे छुपा रही है। भाभी, आई नो कि आपका फैमिली मैटर है, बट आई थिंक हमें ये बात सबको बता देनी चाहिए। नहीं अवनी, इस वीडियो से कुछ साबित नहीं होगा। अगर राधिका एक इंसान नहीं कुछ और है, तो हमें उसके लिए पुख्ता सबूत इकट्ठे करने होंगे। उसके बाद ही हम परिवार वालों को बता सकते हैं कि राधिका एक इच्छाधारी नागिन है। ये वो प्रहर है जब मुझे अपने असली रूप में आना ही होगा। पुरुषार्थ, कैसा है तू मेरे भाई? फूफा जी बता रहे थे कि तुम कल परसों में आने वाले हो। कब आ रहे हो तुम? मैं कल ना परसों, मैं आज ही आ रहा हूं भाई। इनफैक्ट मैं आ चुका हूं। वो कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो हियर आई एम। The one and only पुरुषार्थ खुराना। और इस वक्त युवराज पुरू की कार तैयार है निकलने के लिए सीतापुर की सड़कों पर आप लोगों से मिलने के लिए थोड़ी सी बेचैनी और खूब सारे प्यार के साथ। सुधरेगा नहीं ना, अगर बता देते तो मैं खुद लेने आ जाता। सरप्राइज भाई, सरप्राइज। सरप्राइज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और वो क्या है ना कि सरप्राइज का एक अलग ही मजा, अलग ही एक काम। चलो मैं फोन रखता हूँ, आप मेरा दिल थाम के इंतजार कीजिएगा, आके मिलता हूँ। बाय। ओके, मैं दिल थाम कर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्या बात है, किससे बात हो रही थी? कोई आ रहा है क्या? बड़े खुश नजर आ रहे हैं, कोई तो खास होगा। हाँ, बहुत खास है वो। इनफैक्ट उसकी तो हर एक बात बहुत खास है। द वे शी टॉक्स, द वे शी वॉक्स, द वे शी इज। शी कौन है ये? है कोई? अब इतनी खास है तो नाम भी तो खास होगा। हाँ,
है ना, बहुत ही प्यारा नाम है उसका। इनफैक्ट इतना प्यारा कि उसका नाम सुनते ही हर एक रंग रंगीन हो जाता है। वो फूलों की खुशबू, वो उसकी नरमी, हर एक चीज उस एक नाम में समाई हुई है। आप कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे? अब वो है ही तारीफ के काबिल, जितनी तारीफ करूं उतनी कम। चलिए, जानकर अच्छा लगा कि कोई तो है जो आपको इतनी पसंद। वैसे भी हमारा रिश्ता तो मोम की तरह है, पता नहीं कब पिघल कर धुआं बन जाए। और हमारे रिश्ते का तो कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपको किसी और से प्यार हो जाए। भाभी ये देखिए, ये इच्छाधारी नाग कितने डेंजरस होते हैं, इसमें पूरी डिटेल्स दी गई है। ये अपना कैसे रंग रूप चेहरा बदल सकते हैं सब बताया गया है इसमें। भाभी आप अभी भी सोच रही हैं, राधिका भाभी एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक इच्छाधारी नागिन है। जो इंसान खुद जहर से भरा है वो किसी और को प्यार कैसे दे सकता है? कुछ भैया को तो ये बात पता भी नहीं होगी। अभी कृष्ण भैया की जान खतरे में हो सकती है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अपनी इस बारे में मैं अभी किसी को कुछ नहीं बता सकती। वैसे भी इस घर में मेरी बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। क्यों विश्वास नहीं करेंगे भाभी, पर हम डर क्यों रही हैं? सबूत है हमारे पास, हम ये रिकॉर्डिंग सबको दिखा देते हैं और फिर ये रिकॉर्डिंग देखने के बाद तो सबको पता चल जाएगा ना कि हमारी बात में कितनी सच्चाई है। ये सच्चाई सबके सामने जितनी जल्दी आ जाए उतना ही अच्छा है कि राधिका भाभी एक इच्छाधारी नागिन है। माँ, वो तो माँ हम बस ऐसे बात कर रहे थे। हाँ सुना मैंने, तुम लोग ऐसे ही क्या बात कर रहे थे? तुमने सही कहा बेटी, कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि झूठे और धोखेबाज पर किसी को भी यकीन नहीं करना चाहिए। शर्म नहीं आई तुम्हें राधिका को इच्छाधारी नागिन बताते हुए? पर आंटी जी यही सच है। माफ करना बेटा, लेकिन तुम सिर्फ महक की फ्रेंड हो। तुम नहीं जानती कि इस घर में पहले क्या क्या हो चुका है। इसकी सच्चाई तो बिल्कुल, मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई भी कभी भी राधिका पर किसी भी बात के लिए उंगली उठाए। आंटी जी पत्नी, आई नो आंटी जी, इस घर के मामले में बोलने का मेरा कोई हक नहीं, पर मैं ऐसे आप लोगों को खतरे में भी नहीं छोड़ सकती हूँ। आपको प्रीति भाभी की बातों पर विश्वास नहीं है ना? कोई बात नहीं, पर आपको अपनी आंखों पर तो विश्वास है। मैं आपको दिखाती हूँ आंटी जी कि राधिका का सच क्या है। मेरे बच्चे को बचा लीजिए।
ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? भाई साहब, बच्चे को सांप ने काटा। बच्चे को सांप ने काटा तो उसे हॉस्पिटल लेके जाइए ना। यहाँ पे सब तमाशा क्या लगा रखा है? बाबा जी की अगर तुम्हें लोगों की वाहवाही और पैसे ही चाहिए तो हवा में हाथ उठाकर कबूतर उड़ाओ ना। अपने चमत्कार के नाम पे किसी बच्चे की जान से खिलवाड़ करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ए नादान लड़के, ठहरो। जिस विषय के बारे में आपको ज्ञान ना होना तो उसके बारे में अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। तुमने सिर्फ हमारा नहीं, परमपिता परमेश्वर का भी अपमान किया है। ये कोई जादू का खेल नहीं, ये परमपिता का आशीर्वाद। किंतु ये बातें तुम्हारी समझ के परे हैं, क्योंकि इन्हें समझने के लिए तर्क की आवश्यकता नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता होती है। भोलेनाथ की जय। अनबिलीवेबल, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और यहां इन जैसे लोग आज भी हाथ में बीन पकड़कर लोगों को बेवकूफ बना रहे। रुक जाइए बाबा जी, आपने एक माँ की गोद को उजड़ने से बचाया है। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती, लेकिन इस वक्त मेरे पास इतने ही पैसे हैं, आप इन्हें रख लीजिए। धन्यवाद आप, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। एक माँ की खुशी और एक बालक को जीवन। ये पैसे किसी और को दे दीजिएगा जिसको इसकी जरूरत हो। वैसे भी ये काम हम पैसे के लिए नहीं करते। बाबा जी की। राधिका, तनु इतना मैं प्यार करा, एक पल विच साबार करा। तू जावे जे मैनु छड़ के, मौत दा इंतजार करा। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ मोहब्बत तू कभी सोच ना सके। प्यार के तो कई अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन मेरे लिए प्यार का सिर्फ एक ही नाम और वो है राधिका। अ ब्यूटीफुल रोज, अ ब्यूटीफुल वाइफ। कुछ भी नहीं है ये जान, तू
तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, ना देना कभी मुझको तू फासले, मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। क्रिश, क्या हुआ राधिका? कुछ नहीं, पिछले कुछ दिनों से जो भी घर में हो रहा है उससे मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी राधिका, जब तक हम दोनों एक साथ हैं सब कुछ ठीक ही होगा। अच्छा, आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, हम शाम में मिलते हैं। कृष, मैं आपसे कह रही हूँ ना, कोई आ जाएगा। चाहिए नहीं तो मम्मी जी।